कोरोना संक्रमण से उबरने के लिए राज्य के विधायक अपने निधि से 25 लाख की राशि की अनुशंसा कर सकेंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी नियमावली तैयार कर ली है। विभाग ने कहा है कि इस कारण विधायक निधि में विशेष छूट दी गई है। में कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर की शुरुआत में बनी स्थिति को देखते हुए राज्य के कई विधायकों ने अपने विधायक निधि से अपने स्तर से राशि की अनुशंसा की थी। किसी ने 20 लाख, किसी ने 50 लाख तक की अनुशंसा की थी, मगर इसको लेकर कोई गाइडलाइंस तय नहीं थे। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि विधायक निधि में किस किस योजना पर खर्च किया जा सकता है, उसके प्रावधान के अनुसार ही अनुशंसा की जा सकती है। लेकिन विशेष परिस्थितियों के बीच सरकार मेडिकल उपकरणों के लिए 25 लाख तक की राशि को मंजूरी दी है। कुछ विधायकों ने अपना इच्छा जाहिर किया था कि हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदेंगे और भी दूसरे सामान खरीदेंगे, इसके लिए 50-50, कोई 40 लाख, कोई 30 लाख का अनुशंसा। हमको लगता है ज़्यादा नहीं कुछ विधायक का हुआ था और उसी दिशा में भी हम लोग ये कर रहे थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में आज झारखंड का जो अभी वर्तमान स्थिति चल रहा है, आज के दिन में आज हर जगह ऑक्सीजन की व्यवस्था सुलभ हो चुका है। जो बेड का मारामारी 15 दिन पहले जो दिखाई देता, आज वो नहीं है। हम धनबाद में देख कर आए हैं, उसमें हम लोग 25 लाख रुपया अभी सरकार की ओर से अनुशंसा करने के लिए विधायक का हम लोग देने के काम किया है। राज्य सरकार के इस निर्णय का सत्ताधारी विधायकों ने स्वागत किया है। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने कहा है कि सरकार का ये विशेष प्रावधान इस संक्रमण के वक्त काम आएगा। साथ ही कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने सरकार को बंद पड़े अस्पतालों को शुरू करने के लिए इन्हें आउटसोर्सिंग करने की सलाह दी है, जिससे कोरोना के तीसरे संक्रमण की लड़ाई में लाभ पहुंचेगा। मात्रा में हर डिस्ट्रिक्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, आपदा के तहत बहुत सारे फंड पड़ा हुआ है। DMFT का बहुत फंड पड़ा हुआ है और हर जिला इसमें प्रयासरत है कि किसी भी तरह से थर्ड स्ट्रेन आने से पहले हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हॉस्पिटल्स को दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता वाली विषय है कि आप मैन पावर कहाँ से लाएंगे। मैन पावर मैंने सरकार से निवेदन भी किया है और मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल्स को आउटसोर्स करने का निर्णय ले सरकार, कैबिनेट निर्णय ले, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट में DC को पावर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे ब्लॉक हॉस्पिटल्स हैं उनको DC MOU करके आउटसोर्स कंपनी को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आज हम एडॉक बेसिस पे नर्सेज बहाल कर लेंगे, टेम्परेरी बेसिस पे टेक्नीशियंस बहाल कर लेंगे, डॉक्टर्स बहाल कर लेंगे, लेकिन जब हमें इनकी ज़रूरत नहीं होगी तो हम इनको बैठाएंगे, और जब बैठाएंगे तो 4-5 साल नौकरी करने के बाद जो लोग इसमें कार्यरत होंगे वो कहाँ जाएंगे। विधायक निधि को लेकर और विधायकों के द्वारा दी गई अनुशंसा पर कई तरह के पींच थे, जिसको देखते हुए सरकार ने 25 लाख तक की राशि मेडिकल संस्थानों पर खर्च करने की छूट दी है, जिसके बाद इस मत को लेकर जारी शंका दूर हो गया है। कैमरामैन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।